बीते 48 घंटे में ये तस्वीर सत्ता के गलियारे में युद्ध का कारण बना हुआ है, और इसी मुद्दे को लेकर के हम एक खास तीखी बहस लेकर के आए हैं सीधी बात नो बकवास में। लेकिन वो सब कुछ जानने से पहले, ये सारी बहस देखने से पहले आपका स्पेशल रिपोर्ट देखना जरूरी है। देखिए, यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी रस्साकसी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेशी टी शर्ट को लेकर सवाल खड़े किए, तो अब कांग्रेस ने संघ की खाकी निकर को जलता हुआ दिखा दिया और उसके नीचे लिख दिया कि अभी 145 दिन बाकी हैं। खाकी निकर को आग लगी और धुआं निकलता तस्वीर जैसे ही सामने आया, भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई और कहा, ये कांग्रेस की भारत जोड़ो नहीं, आग लगाऊ यात्रा है। ये और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैंने पहले कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं होगी, जनता की चिंता होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता नहीं बल्कि बीजेपी की चिंता भी हो जाएगी। कांग्रेस की जली निकर वाली तस्वीर पर आरएसएस का भी बयान आया है और कहा कि ये नफरत की राजनीति है। तो अब आखिर क्या सच में ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है या फिर बीजेपी की कहीं माने तो आग लगाओ यात्रा, ये दिलचस्प सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स। तो सबसे पहला सवाल मेरा संदीप जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कांग्रेस का ही था और वहीं से आपका जो ये पोस्ट आया, ये तस्वीर एक बारी मैं फिर स्क्रीन पर दिखा दूं, हमने पहले भी दिखा दिया है प्रोमो में भी और कई बार, तो इस तस्वीर का मतलब क्या बनता है? जी देखिए, इस तस्वीर का मतलब ये है कि आरएसएस की एक पहचान है, जिस चीज की बात कर रहे हैं वो एक आरएसएस का सिंबल है और आरएसएस की पहचान धीरे धीरे किस तरीके से खत्म होने वाली है और जो उसकी आइडियोलॉजी है वो किस तरीके से इस इन 150 दिनों में जाने वाली है, कांग्रेस सिर्फ यही प्रदर्शित करना चाहती है। जिस आइडियोलॉजी को उन्होंने इतनी मेहनत से झूठे प्रोपेगेंडा के माध्यम से झूठ फैलाकर बहुत सारे टिकलमबाजी करके जो अपना एक अभी आइडियोलॉजी को स्थापित किया है लोगों के बीच में और बहुत सारे भ्रम फैलाकर, उसी आइडियोलॉजी को हम 145 दिन में खत्म करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है और आप इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में ना लें या कोई भी भाजपा वाले हमारे मित्र भी ना लें और आरएसएस के लोग भी ना लें, जो कि उस समय जब बात हो रही है, आज बात चर्चा चल रही है भारत जोड़ो की, तो भारत जोड़ो में और आरएसएस का क्या कंट्रोडिक्टरी रही है, क्या उस समय मामला रहा है, ये भी हमें सोचना होगा कि आज राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को जब आरएसएस पढ़ाती है या भाजपा पढ़ाती है तो हमें ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है। इसलिए लगता है कि जब जरूरत थी राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद आज भी जरूरत है, राष्ट्रवाद हर व्यक्ति के अंदर होता है। हर एक व्यक्ति, अगर आप चैनल में काम कर रहे हैं तो अपने चैनल के लिए जाहिर सी बात है कि आप जो है उसके लिए प्रतिबद्ध होंगे, उसके लिए कटिबद्ध होंगे, हर तरीके से उसके जो है उसके संरक्षण का काम करेंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या किसी भी प्रकार से, जब किसी भी संस्था या किसी चीज से आप जुड़े होते हैं तो उसका थोड़ा जल्दी समेटने का प्रयास कीजिएगा, मेरे को आगे और तक जाना है। इसमें आरएसएस की बात जो आ रही है, मैं आरएसएस की चर्चा थोड़ा डीपली इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि आरएसएस का जो झूठ है वो किस तरीके से फैलाया, आरएसएस ने क्या झूठ बोल दिया, इतनी सी ऐसा जी हाँ, क्या झूठ बोल दिया, एक ऐसा दो तीन झूठ बताइए या फिर ऐसा क्या दिक्कत है जिस वजह से आपने उनके जो एक ड्रेस है, जो उनका एक ड्रेस कोड है, उनको आपने सीधा जला के राख कर दिया जी, या फिर ये कहीं वो चिड़ती जो राहुल गांधी की वो 41,000 रुपए की 51,000 रुपए की टी शर्ट की वजह से निकली है पैंट पर, ये कपड़ों के खेल पर राजनीति कब से शुरू हो गई? नहीं नहीं, ये कपड़ों की राजनीति नहीं है। हमने ये कहा कि पहली बात तो आरएसएस का जो ये आप ड्रेस कोड हमने दिखाया है, ये ड्रेस कोड इंडियन नहीं है, पहली बात आप समझ लीजिए। आप भी जानते हैं भारतीय ये पोशाक है ही नहीं है,
ये उस समय जो है हिटलर से इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी ली और जो है मुसोलिनी की टोपी चोरी की, और ये जो ड्रेस भी था ये अंग्रेजों का दिया हुआ ड्रेस है, ये अंग्रेजी ड्रेस है, ये भारतीय पोशाक नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए इसका भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। दुर्गेश मिश्रा जी हैं आरएसएस से। हाँ जी दुर्गेश जी बताइए, अंग्रेजों की ड्रेस चुराई है क्या आपने, उन्हीं से आइडियोलॉजी ली है? सुनिए सुनिए, अब इन्होंने कहा कि हिटलर से हमने आइडियोलॉजी ली, ठीक है ना, हमने हिटलर से आइडियोलॉजी ली और हम बोलते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ठीक है, मतलब हम अपनी को आप बोल लेने दीजिए, आप बोल चुके हैं, तो हमारी आइडियोलॉजी अगर ये है कि हम अपनी मातृभूमि को प्रणाम करेंगे और हमें ये हिटलर से मिली है, अगर ऐसा है तो हम ऐसी आइडियोलॉजी पर गर्व। दूसरी तरफ इनकी आइडियोलॉजी लीजिए, इनकी आइडियोलॉजी कहाँ से आई, डॉक्टर ए ओ ह्यूम इटावा के पूर्व कलेक्टर ब्रिटिश जमाने में, उसने कांग्रेस बनाई ही इसलिए थी कि जिन लोगों के नेतागिरी के टीले हैं वो इसके माध्यम से नेतागिरी कर लें और मंचों पर आकर अपना जो कुछ कला दिखानी दिखा लें, बाकी रहे अंग्रेजों के गुलाम। और जहां तक ये टोपी की बात कर रहे हैं, मुसोलिनी वाली टोपी, तो इनके नेहरू जी कौन वाली टोपी लगाते थे, कलर में ही तो अंतर है, वो सफेद है ये काली है, ठीक है, और महाराष्ट्र में जहां से ये कलर का ही तो खेल है। हाँ हाँ कलर का खेल है ना, तो अभी आप टोपी पर थे, अब आप कलर पे आ गए, थोड़ी देर में आप स्टाइल पे भी आ जाएंगे, है ना। और दूसरी बात, ये जो ड्रेस जलाने वाली जो देखकर इसमें थोड़ा सा सुलगाहट हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं हमारी, तो इन्होंने नेकर में थोड़ी सी पट्टी लगा के सुलगाया, ये तो 10 साल से नेकर कौन सा भारतीय पोशाक है, पहले इस बात का आपने जवाब नहीं दिया, भारतीय पोशाक है या नहीं है? नहीं नेकर देखिए ऐसा ना, हमारा कोई पोशाक का वो आसमानी भारतीय पोशाक है, आप बता दीजिए जो आरएसएस का ड्रेस कोड है, आप नहीं आप बता दीजिए कि नेहरू जी जो सी जैकेट पहनते थे उसको जैकेट को क्या बोलते हैं, नेहरू जैकेट बोला जाता है, आज नेहरू जैकेट बोला जाता है, पहले सदरी पर हमारे यहाँ पहले भी सदरी पहनी जाती थी। अरे ये भाषा अंतर कर रहे हैं आप, जैसे नेकर पहने तो भैया नेकर तो अंग्रेजी का कौन सा वर्ड है नेकर, आप तो भाषा की बात पर आ गए, आप भाषा हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो आप ड्रेस कोड आरएसएस का है क्या वो भारतीय पोशाक है, हाँ या नहीं? बिल्कुल भारतीय पोशाक है, देखिए आज भारत में नहीं पहनी जाती। जी नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं, सुनिए अरे धोती कहाँ चली गई, धोती कहाँ चली गई, नेहरू जी जो पहने बिल्कुल पहनते थे। सुनिए संदीप जी, आप देख लीजिए संदीप जी, मैं 500 फोटो भी दिखा सकता हूँ। दुर्गेश जी और संदीप जी शांत रहिए, मुझे मजबूरन म्यूट करना पड़ेगा, मैं इसे हम झगड़ने का मंच नहीं बनाना चाहते, शांति प्रिय तरीके से अपनी अपनी बात रखी जाए, उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। इसी के साथ मैं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए, अनुभव चक जी हमारे साथ हैं, तो बताइए सर क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े विवाद पर, आपके पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि ये यात्रा ठीक तरीके से पूरी हो नहीं पाएगी, यात्रा से चिढ़ा क्या आपको, 41,000 की टी शर्ट पे आपने सवाल खड़ा कर दिया, समस्या क्या है उस टी शर्ट से? नहीं नहीं देखिये, जहां तक जो आप डिबेट का विषय रखा है उसमें जो संघ का गड़बेस है उसपे जिस तरह के से कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया सेल से उन्होंने आग लगाते हुए फोटो वायरल करी, जहां तक डिबेट का विषय वो है, पहले मैं उस पर अपनी बात रख ली, फिर अभी मैं उसके बाद, अब चल रहा फिर मैं उसके बाद बात आगे बढ़ाता हूँ। देखिये 2014 तक लगभग इस देश के अंदर कांग्रेस की ही सरकार रही अधिकतर समय तक, क्या हमने और आपने कभी ऐसा देखा कि उस समय इन्होंने आरएसएस की ड्रेस कोड पे कोई हमला करा हो, जलाने का प्रयास करा हो? जिस समय आप पूरा सामर्थ्यवान थे और आपको लगता आरएसएस की विचारधारा देश के विचारधारा या देश को गर्त में ले जाने वाली है, तो आपके हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए थे? तब आपके पास कार्रवाई का अधिकार था, तब आप आंखें बंद करे हुए थे, क्योंकि आरएसएस सच में एक राष्ट्र का जो सच्चा जो होता है ना प्रहरी, राष्ट्र को सशक्त करने वाली विचारधारा का संगठन है, इस वजह से आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। आज आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से इस देश पर शासन कर रही है और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जो शासन नरेंद्र मोदी का सुशासन है उसकी वजह से कांग्रेस जो अपने आप को इस देश की इकलौती सबसे बड़ी पार्टी मानती थी, शिखर जा रही है, इस वजह से आप
और उसमें भी आपको ये लगता है क्योंकि पुष्टिकरण की आपकी सोच रही है, विचारधारा है, किस तरीके से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करा जाए, इस वजह से आप संघ पे हमला करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है जब आप संघ पे हमला करते हैं तो उसका लाभ कहाँ मिलता है। आप वोटों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तुष्टिकरण करना चाहते हैं, इसलिए उसकी एक रणनीति के तहत ये आपने फोटो वायरल करी है। और इस देश का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ रहा है जी, और आपकी इसी तरीके की रणनीति के कारण बिल्कुल कांग्रेस लगातार इतने वर्षों तक, एक मिनट बात पूरी कंप्लीट कर लूं, लगातार इतने वर्षों तक सत्ता में रही, देश की जनता ने उसको शिखर से शून्य तक पहुंचाया है और आगे हमें लगा रसातल में भी पहुंचाने का काम करेगी अगर आपने अपनी रणनीति में परिवर्तन नहीं करा तो। चलिए ठीक है, ये तो आपने अपना एक डिफेंसिव पॉइंट रख दिया, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि टी शर्ट पे सवाल खड़ा करने का क्या मतलब बन रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। भारतीय जनता पार्टी इस लेवल की राजनीति पे आ गई है। नहीं नहीं देखिए, अगर कोई व्यक्ति और वो भी इतने बड़े लेवल का, अपने पार्टी का जो राजकुमार कहा जाए ना, सोने की चम्मच चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, उनको उनको अगर लगातार, आज सोशल मीडिया का युग है, आप भी लगातार ये देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले मित्रा जी का बैग कितने लाख का है, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी का सूट कितने लाख का है, उससे पहले इस तरह की तमाम चीजें वायरल होती रही हैं, क्योंकि उस पर लोगो लगा होता है। इस वजह से ये पोस्ट करा गया, ये भी पोस्ट करा जा रहा है कितने सुख सुविधाओं के साथ ये अपने जो साथ लेके चल रहे हैं साधन, उसको लेकर चल रहे, क्योंकि ये लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हम जैसे आजादी की लड़ाई में कार्यकर्ताओं के साथ देश के आजादी के लिए संघर्ष करते थे, उसी तरीके से आज हम सड़कों पर उतरे हैं, ये मैसेज देने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये ऐसा करा गया कि वो कांग्रेस अलग थी, उसमें देश का प्रत्येक नागरिक शामिल था, ये आपकी परिवारवादी कांग्रेस है, इसमें आप और आपके चाटुकार सिर्फ शामिल है, और वो अपने बिखरते हुए कुनबे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ऐसा। जी जी, मैं आपके पास आऊंगा जी। क्या कहेंगे संदीप जी, काफी बड़ी लाइन आपके लिए बोल दी गई कि वो कांग्रेस अलग थी और आज की कांग्रेस अलग है। और अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आरएसएस की विचारधारा आपको शुरुआत से ही ऐसी लगती थी, जब से 1960 के दशक से ही ऐसी लगती थी, या आप जाके इतना खटकना शुरू हुआ है आरएसएस आपको? नहीं, 1960 के दशक क्यों कर रहे हैं, आजादी के पहले भी था और हमारे जो है वैचारिक। अच्छा, मतलब आपको तब से ही आरएसएस से द्वेष था? बिल्कुल बिल्कुल, तब से ही था ना? बिल्कुल, 1950 से पहले ही आपको आरएसएस से द्वेष था, ये आप मानते हैं? बिल्कुल, आइडियोलॉजी डिफरेंट था, मैं जवाब दे रहा हूँ आगे, और क्यों था? लेकिन इस पे मेरा एक और सवाल है, अभी आपने कह दिया आजादी से पहले भी द्वेष था, तो 1963 में आरएसएस की टुकड़ी को राजपथ के परेड में शामिल करने वाले कौन थे? मैं जवाब देता हूँ, दूर रहा हूँ, दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ जी। देखिए, 1947 और उसके बाद दोनों कंडीशनों पे आ जाते हैं। देखिए, गोरखा जनमुक्ति आंदोलन चल रहा है जिसे उग्रवादी संगठन किया गया था, आज भाजपा उसके साथ गठबंधन में है पश्चिम बंगाल में, ये बात आपने, उसको एक समय उग्रवादी संगठन घोषित किया गया था संविधान में उस कानून के तहत, और आज वो एक पार्टी बना ली और मुख्य लोकतंत्र की जो है रास्ते पर आने के लिए तैयार हुए, और उनको आज भाजपा जैसे राष्ट्रवादी लोग उनके उनके साथ जो है गठबंधन में है। तो अब आप कह रहे हैं कि राजपथ पे क्यों चलने दिया, उस समय की जो उस समय जब 63 की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी के समय की बात है ये, जहां तक मुझे पता है। नहीं, आपसे ज्यादा नहीं, मैं मानवीय भूल हो सकती है, मोदी जी तो हूँ नहीं कि 600 करोड़ लोगों की आबादी बता दूं, और ये भी नहीं बता सकता हूँ कि बेटी 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 पटाओ, थोड़ा सा बारहवीं कर लीजिए। देखिए, ये 1960 में जो संघ के बाद आप बता विचारधारा में जहां तक, तो फिर तो आपको शायद आपकी पार्टी की शीर्ष नेता ने संघ से ही निकले अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में अपना पक्ष रखने के लिए भेजा था। अब जवाब देने दीजिए कि आया तो आप ही बोल लीजिए, मैं आपको बहुत शांति से सुन रहा, लेकिन आप गलत बयानीकरण टोकना पड़ेगा ना, एक एक करके नहीं ठीक है जी। संदीप जी जवाब दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस आपका कहने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो है कांग्रेस के रिज्यूम में राजपथ आरएसएस चली, तो हमें उस समय लगा कि आप सुधर गए,
आप जो है उस जो बचारी गतिविधियां हैं, जो आपकी बचारी प्रतिबद्धता रही है, उसको छोड़ के आप मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, और उस समय आपने प्रतिबद्ध, आपने तो माफी भी मांगी है जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, तो उसके बाद आपके ऊपर बैन लगा, आपने माफी मांगी, आप लोग तो माफी भी रहे हैं, आपके यहाँ तो माफी भी रहते हैं, तो लेकिन बैन हटाने वाले भी तो कांग्रेस ही थे। बिल्कुल सुन लीजिए, और मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट आ रहा हूँ, कांग्रेस की कभी विचारधारा ये नहीं रही कि किसी को दमनात्मक तरीके से किसी भी विचारधारा को दबा दिया जाए। अगर ऐसा होता तो भाजपा जैसी पार्टी का जन्म ही नहीं होता। इस बात को आप कहाँ बोल रहे हैं, कभी आप सोचिए, यही तो लोकतंत्र की खूबी है, और ये लोकतंत्र को जिंदा कांग्रेस ने रखा। अरे अरे रुक जाइए, जवाब दीजिएगा अभी तो, और बोलना, अभी आपने बहुत सारी चीजें बोली है ना, थोड़ा एक मिनट धैर्य से सुनिए ना। ये कांग्रेस की जो है विचारधारा रही है, और एक कांग्रेस के ऊपर एक जो काला धब्बा लगता है सिर्फ जिस इमरजेंसी की आपातकाल की बात होती है, उस समय की परिस्थितियां, उस समय की आईबी की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसको भी जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आज तक, सुन लीजिए एक, चलिए नहीं, थोड़ा जल्दी करिए, हमारे पास और भी पैनलिस्ट हैं, उनको भी सुनना है। और दूसरी चीज, आप बातों को ज्यादा घुमा रहे हैं, ब्लेम से ज्यादा अच्छा होगा अगर आप एक्सेप्टेंस ले आए। ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए वो ज्यादा बेहतर है। देखिए आप नीतीश जी, मैंने क्या आपातकाल का समर्थन किया, मैंने स्पष्ट ये बोल दिया कि आपातकाल कोई भी कांग्रेस की व्यक्ति आज भी उसको सही नहीं मानता है। ये क्या क्षमता भाजपा के अंदर है, नहीं है किसी नेता के अंदर है कि गोधरा कांड को कह दे कि वो उसके नेता की भूल थी या उसकी पार्टी की भूल थी, है हिम्मत तो बोल के दिखाए मुझे, लेकिन कांग्रेस उस चीज को एक्सेप्ट करती है ना। 84 अरे मनमोहन सिंह का बयान सुन लीजिए, जब प्रधानमंत्री थे, उनका बयान चाहिए, उनका बयान चाहिए जिनके, आप हैं क्या आरएसएस में, कोई है आपके पास? अरे संदीप त्रिपाठी जी और आप देखिए, दोनों शांत रहिए, एक एक करके, एक एक करके आपकी, अरे आप शांत क्यों रहेंगे, घूम रहे हो, कल तक टुकड़े टुकड़े, मैंने आप दोनों को ही म्यूट कर दिया है, कृपया करके शांति से मेरी बात सुनिए। शो को टेक ओवर करने के लिए नहीं आया ना आप लोग, एक एक करके बोलने का मौका दीजिए। आप लोगों को छोटे छोटे बच्चे देखते हो, आपसे सीखते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि टीवी या फिर डिबेट देखेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, उनको ये सीखने को मिल रहा है। थोड़ा शांति से करिए सर, एक निष्कर्ष निकालना होता है हर बात का। आपके पास आता हूं मैं, दुर्गेश जी बताइए क्या कह रहे थे, अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए दुर्गेश जी। हाँ, जहां तक इनका ये कहना कि तो ये कह रहे थे कि आतंकवादी संगठन था, कल को उसको घोषित किया गया था, आज इनके साथ सरकार में है, तो देखिए ये सब तो इनके पास सत्ता थी, जिसको चाहे जो घोषित कर दे। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ कहीं कहीं माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के साथ, कम्युनिस्टों के साथ, जिनका कम्युनिस्टों का अपने ही देशों में, चीन में, रूस में, जिनका मास मर्डर प्लान का इतिहास रहा है, वो बड़े बड़े प्लान बना के अपनी जनता को मारा है, उनके साथ ये सत्ता में रहे हैं और हमको ये नैतिकता सिखाने को आ गए हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि मुझसे बहुत पीछे पड़े थे, बताइए कि नेकर विदेशी है, विदेशी है, अरे आपकी तो राजमाता ही विदेशी है ना, पूरा खानदान विदेशी आपने आए, किसी को पता नहीं कौन भारतीय है, कौन हिंदू, कौन मुसलमान है, आप क्या फालतू मिलावट की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी ये जो कह रहे थे ना कि आपने बैन नहीं लगाया, आपने दो दो बार बैन लगाया, हर तरीके से आपने मिटाने की सबको कोशिश की, लाखों कार्यकर्ताओं को बंदी बनाया, आपकी क्षमता नहीं थी आप हमको खत्म कर सकते, आप लोगों को बंदी बना रहे थे, लोगों की हत्या करवा रहे थे, लेकिन विचारधारा को आप मार नहीं सकते थे। संघ कमजोर नहीं हुआ, संघ कहाँ था और कहाँ था गया, भाजपा कहाँ थी, कहाँ आ गई है आज आपको, मतलब अपनी जवाब दे दूं, आपको फ्रस्ट्रेशन निकाल के मेकअप में आग लगा के फोटो डालना पड़ रहा है। मैं जवाब दे दूं, ठीक है दुर्गेश जी, मैं आपके पास लौटता हूं, संदीप जी आपके पास भी आ जाओ, लेकिन उससे पहले मैं अनुभव जी के पास जाऊंगा। अनुभव जी आखिरी कुछ मिनट रह गए हमारे पास, अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं।
देखिए लगातार जो अभी बातें हो रही हैं, और कांग्रेस पार्टी पता नहीं कौन से एक जो होता ना उसमें अपने मद में अभी भी मगरूर है कि ये आजादी के पहले वाली कांग्रेस, उस आजादी की लड़ाई में कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी और देश का प्रत्येक नागरिक उसमें शामिल था, वो एक स्वाधीनता संग्राम के लिए आंदोलन के लिए खड़ी करा हुआ संगठन था। आज की कांग्रेस राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आई कांग्रेस इंदिरा गांधी, आरएसएस क्या था लगातार जो बातें हो रही हैं, आरएसएस क्या था भाई साहब को ये समझना, आरएसएस क्या था बिहारी वाजपेयी, आरएसएस की स्थापना क्यों हुई थी इंदिरा गांधी जी ने उनको यूनियन, आरएसएस की स्थापना क्यों हुई थी, अरे भाई आपके नाजायज पिता आरएसएस दो दो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आरएसएस की आपके नाजायज पिता है उसकी स्थापना क्यों हुई श्रीमान जी, आपके नाजायज पिता कहाँ बैठे वो बातें ना, जरा भाषा पे कंट्रोल रखिए, ठीक है जायज नाजायज हम लोग बोलने लगेंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे, क्या तुम्हें पता है कि तुझे क्या मालूम है, अभी नाजायज पता के बारे में बोल लोगे तो कितने निकल लाएंगे तुम्हें पता नहीं, लेकिन उस बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। अरे भाई चाहता हूँ कि 1984 याद रखिए, अपने 1984 याद रखिए, उसके भाषा पे सीमित रखिए शब्द को प्रयोग करना, क्या अगर 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 दूसरा हम आपका जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारा एंकर जो बैठा है वो पूछेगा उसका जवाब देंगे, आप एंकर के माध्यम से हमसे पूछे, आप डायरेक्ट ना पूछिए हमसे। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भारत जोड़ने के जो यात्रा निकाल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए निकाल, ना ना नहीं हम उन्हीं से कह रहे हैं एंकर से, संबोधित करके बताइए, हाँ एंकर आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं ना, आपको बताने का आप, हमारे आप तो कह रहे हैं ना कि आप लड़ना मत शुरू कीजिए, लड़ना मत शुरू कीजिए, शांति से अपनी बात रखिए, अरे नहीं तो सब व्यक्ति को बैठा लिए, नहीं ऐसे नहीं को बैठा ले, यहाँ पे बात कर रहे हैं, कभी नाजायज कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, इसी भाषा की वजह से तो आज कांग्रेस पार्टी हाल हो गया। अनुभव अनुभव जी अनुभव जी अनुभव जी अभी आपने हमारी बात पूरी हो जाएगी, इनके राजमाता को जो बाटला हाउस इनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए उनकी मौत पे इनको रोना आता है, आतंकवादी की बात करते हैं, इनके इनके जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वही जो जिसको फांसी हुई उसके सजा रुकवाने के लिए आतंकवाद की बात करते हैं दंगा होता है सिखों का नरसंहार होता है और उसमें इनके नेता कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप आ जाता है, ये इनकी मानवता है, ये इनका जो है अपना संस्कृति है, इन्होंने लगातार दबाने का काम किया। आपातकाल को भी अभी आपकी डिबेट में इन्होंने कहा कि वो जो आईबी की रिपोर्ट थी वो आप देख लेते तो हैरत में पड़ जाते, उसको देख के कहा जा सकता था आपातकाल सही है, लेकिन तो उसके बाद भी कांग्रेस ने का बड़ा एहसान कर दिया, जो कांग्रेस ने आपातकाल को गलत नहीं कहा, देश की जनता झेल चुकी आपके कुशासन को और इसी वजह से आज उसने आपको इस नतीजे पे इस हद सर पे खड़ा कर दिया है जहां आपको गली गली में घूमना पड़ रहा है, और आप लाख घूमिए आपका कुनबा जुड़ने वाला नहीं है, धीरे सिमटते जा रहे हैं, सुन भी आएंगे अनुभव जी, इसी तरीके अनुभव जी मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, टोपी जलाइए कुछ अनुभव जी मैं दोबारा लौटूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है, आखिरी एक मिनट मैं दूंगा आपको संदीप जी, आपको एक मिनट में अपनी बात रखनी है, क्या कारण है अंतकाल निष्कर्ष आप इस बात का क्या रखते हैं कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ऐसे संगठन की जहां पे 50 से 60 लाख लोग जुड़े हुए हैं, अब देखिए 50 से 60 लाख लोग कम नहीं होते हैं ना, उसके बावजूद आप उसकी विचारधारा को या फिर उसकी ड्रेस कोड को आप जला के राख कर देते हैं ट्विटर ऑफिशियल और ग्राफिक्स के जरिए, क्या ये ठीक है, क्या मानते हैं आप इस चीज को, ये सही नहीं हो सकता है या हो सकता है ये बताइए। देखिए आरएसएस के भी हमारे मित्र ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आप आरएसएस में क्या है तो वो नाराज हो गए, लेकिन अगर ये मैं पूछ लूं कि ऑफिशियल आपके पास क्या है ना, आपकी कोई लिखा पढ़ी होती है कौन आपका सदस्य है कौन आपका मेंबर है, आप 50-60 लाख किस आधार पर कर रहे हैं, कोई लिखा पढ़ी होती है इस देश में कहीं पर ये शो करते हैं अपना ये चंदा लेते हैं, अरे दो प्रवक्ता तो आपने ऑलरेडी भाजपा के बैठा रखे हैं, उसके बाद एक मिनट समय दे रहे हैं उसमें 30 सेकंड बर्बाद कर दिए इन्होंने। सर सुनिए, काफी समय आपने भी लिया है, एक एक करके सबको समय दिया जा रहा है, जो गलत है मैं शांति सुन रहा हूँ,
देखिए हाँ तो आप जो मैं बात कर रहा हूँ मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल आखिरी एक मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी खत्म करिएगा जी। और जो बात अभी नाजायज कही, मैंने नाजायज क्यों कहा, आरएसएस कहती है कि वो सांस्कृतिक संगठन है और सांस्कृतिक संगठन है फिर भी पॉलिटिक्स में भाजपा के माध्यम से पूर्णतः इंटरफेरेंस रहता है, प्रधानमंत्री भी देते हैं संघ के मुख्य सर संचालक को बैठ के पूरी रिपोर्ट देते हैं उनको। तो आप या तो ये दोगले नीत है ना आपकी, या तो आप ओपनली बोलिए कि आप राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है आप बन जाइए, तो आप ये ठीक है आपके ताकत है, मतलब आप राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन से आइए मुख्य धारा में आइए एक एक करके। अरे भाई संविधान में विश्वास है, अरे बहुत प्रणाम, ये अंग्रेजों का प्रणाम भाई, लो चलिए जयराम जी की, अंग्रेजों को प्रणाम, शांत हो जाइए संदीप जी, खत्म हो चुका है, ये अंग्रेजों का प्रणाम, अंग्रेजों के दलालों को अंग्रेजों का प्रणाम, मेरे को आगे जाने दीजिए, शो को आप लोग हाईजैक कर रहे हैं, अब लीजिए बोलते रहिए, एक एक करके सबको म्यूट कर देंगे हम, पता नहीं आप लोग बच्चे हैं क्या, आप इतने ऑफिशियल पद पे बैठे हुए हैं, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपके डिबेट से तो एक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, आप लोगों से मैं सवाल कर रहा हूं, आप शो को हाईजैक करने के लिए खड़े हुए। चलिए अब मेरे पास आखिरी एक मिनट 27 सेकेंड है, कृपया करके संदीप जी अब शांत रहिएगा, मैं दुर्गेश जी के पास जाऊंगा, दुर्गेश जी अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात करो। देखिए हर संगठन का अपना एक शिष्टाचरण होता है, सदाचार होता है, उसकी एक अपनी शैली होती है। अब कभी आरएसएस के प्रणाम पर इनको दिक्कत है कि अंग्रेजों का है, कभी यूनिफॉर्म पे दिक्कत है कि अंग्रेजों का है। अब आप ये समझिए, मतलब हमारी विचारधारा पर ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सब उनकी विचारधारा फेल हो चुकी है, सत्ता से बाहर है, पीपा में बैठ कर पूरा देश घूम रहे हैं, कल तक पूरे देश का समर्थन कर रहे थे। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, बस आज के लिए इतना ही, आप आज की वीडियो का तो मैं निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, अपने दर्शकों से मुझे खुद आज क्षमा मांगना पड़ रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या कारण रहा क्या कारण नहीं रहा इस वजह से, और मैं चाहूंगा कि आगे से आपको इन प्रवक्ताओं के मुख से कुछ अच्छी बातें जरूर सीखने को मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।